नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और ये कोई स्टडी व्लॉग नहीं है, तो अगर आपकी इच्छा नहीं है इस व्लॉग को देखने की तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बाकी कैसे हैं आप सब, क्या सब चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये थोड़ा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज 13 मई है, यानी ये ब्लॉग 13 मई का है। और दिन की शुरुआत मेरी फिर से दवाई खाने से हो रही है। और यहाँ मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी के सेशन के लिए। और ये पटना का अटल पथ था, अभी जो क्लिपिंग देखा आपने, तो बहुत ही प्यारी से सड़क है अटल पथ में बनी हुई, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिजियोथेरेपी की क्लिनिक में, जहाँ की ये वायर और वाइब्रेशन वाली जो चीज़ें होती है वो मेरे हाथ में लगा दिया गया है। और यहाँ पे लगभग आधे घंटे का पूरा सेशन चला है, जिसमें कि कुछ कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज भी होती है, वो सब करवाया गया मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। और फिर उसके बाद मैं क्लिनिक से वापस आने लग गई। और बाकी राहत अभी तो हाथ में नहीं है उतना, इसका पूरा एक सेशन लेना होता है कम से कम 7 से 8 दिन का, तो देखती हूँ यहाँ पे कंटिन्यू हो पाता है या नहीं। और वहाँ से वापस आते वक्त मुझे रास्ते में बहुत सारे पेय पदार्थ के स्टॉल दिखे, जैसे कि सत्तू वाला स्टॉल, फिर ये गन्ने का स्टॉल। तो बाहर की चीज़ें खाना अभी मुझे मना है, तो मैं अपने पानी से ही काम चलाती हूँ, क्योंकि प्यास बढ़ जाती है। कहीं अगर जूस कॉर्नर देखो या फिर आप सत्तू का कोई स्टॉल देखो, पर्टिकुलर बिहार में सत्तू का कितना क्रेज़ है सभी को पता ही होगा। तो मैं फ़िलहाल पानी से काम चलाते हुए आगे अपने पीजी की ओर बढ़ गई हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है पटना में, तो गर्मी अपने चरम सीमा पे है, तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और ये दिन के लगभग 1 या 1.5 के आसपास समय हो रहा था, तो इस समय और भी गर्मी थी सड़क पे, और पूरी की पूरी सड़क खाली थी। ये जो AN पथ है वो, वहाँ पे गाड़ियाँ तो बहुत कम चल रही थी, क्योंकि दोपहर में लोग निकलते नहीं हैं। और वो भी सही है कि आपको अवॉइड ही करना चाहिए दोपहर में निकलने का। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे PG में एंटर कर रही हूँ। और पिछली बार यानी 67th मेंस के समय जब मैं यहाँ पे रुकी थी, तो नीचे PG में ही रुकी थी, जहाँ पे कि मेरी एक रूममेट बनी थी 10 से 15 दिनों के लिए। तो मैं फ़िलहाल उसी से मिलने जा रही हूँ, जिनका नाम सालू है। तो वहाँ से मिल के फिर मैं रूम में आ गई ऊपर छत पे। और लगभग 1:35 के आसपास का समय हो रहा है, और मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो पहले थोड़ा सा मुंह हाथ धोने की कोशिश करने के बाद पहले मैं अपने कमरे में जाती हूँ, और फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, ये बुक्स वगैरह बेड पर मैं छोड़ के गई थी, जो कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, तो इसको फ़िलहाल साइड कर देना ही उचित होगा। तो ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे पानी वानी भरने आ जाती हूँ। और आजकल पानी के हाल तो भाई ऐसे लग रहा है जैसे RO से खौला हुआ पानी निकल रहा है। आपके यहाँ क्या स्थिति है, उम्मीद है कि सेम हाल आपका भी होगा, आपका भी वही हाल होगा जो कि हर जगह है। तो यहाँ पे पानी मैं थोड़े देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, और फ्रिज का ठंडा पानी मुझे पीना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट खौला हुआ पानी भी नहीं पी सकते, इसीलिए फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा करके फिर गर्म करती हूँ, उसके बाद पीती हूँ। तो आजकल यही चल रहा है, और गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो कोशिश आप सब भी यही करें कि आपकी तबीयत ना ख़राब हो, ज़्यादा लू ना लगे, और अपने साथ गमछा या फिर कोई और वैसे कपड़े की चीज़ जिससे कि आप लू से बच सकते हैं वो कैरी करने की कोशिश करें। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे अब खाना खाने आ गई हूँ, और आजकल सब्ज़ी वगैरह खाना थोड़ा सा शुरू कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे पट्टल और आलू की सब्ज़ी है, जो कि इससे पहले यानी कि जब मैं नॉर्मल थी तब मुझे कभी पसंद नहीं आया था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है मुझे। जब बाकी चीज़ें खाना मुझे मना हो गया, तो यही चीज़ मेरे लिए सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं अपना खाना निकाल रही हूँ, और बाकी अभी फल वगैरह मुझे खाना नहीं है, देखती हूँ 3 से 4 दिनों में शायद मैं शुरू कर दूँ, एक बार डॉक्टर से मिलने के बाद कि कब से मैं शुरू कर सकती हूँ। वैसे अब काफ़ी टाइम हो गया है सर्जरी का, तो वो भी शुरू कर लूँगी। और फिर खाना खाने के बाद मैं 1 से 7 यानी कि पूरा 4 घंटे सोती हूँ, और उसके बाद मेरी नींद खुलती है। तो फिर मेरा मन होता है कि मैं बाहर जाऊँ थोड़ा नारियल पानी पीने, क्योंकि बाहर की और चीज़ें तो मैं अभी खा नहीं सकती हूँ। और 13 मई की मेरी बेस्ट मेमोरी ये रही कि मुझसे मेरी एक सब्सक्राइबर मिलने आई, जिनका नाम की प्रतिज्ञा था, तो उनके साथ
40 से 45 मिनट के आसपास बात करने के बाद मैं फिर नारियल पानी पीने के बाद अपने रूम पे आ जाती हूँ। और अब ये जो क्लिपिंग आप देख रहे हैं वो अगले दिन यानी कि 14 मई का है, 14 मई की शाम का है। तो मम्मी यहाँ थी नहीं, पटना में थी नहीं मम्मी, तो मुझे दिन भर अब थोड़ा सा कमरे में बंद बंद सा लग रहा था। तो मैं अपनी बहन से पूछ के NIT घाट चली गई कि कौन सी जगह घूमने वाली है थोड़ी सी। तो उसने मुझे NIT घाट का सजेस्ट किया, तो यहाँ पर मैं आ गई। और निकलते निकलते थोड़ा सा अंधेरा हो गया था और ये कैमरे में थोड़ा ज़्यादा ही अंधेरा लगने लग गया, जितना हुआ नहीं था उससे ज़्यादा ये अंधेरा कैप्चर हुआ है। वैसे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और 14 मई को चूँकि संडे था तो यहाँ पे शायद संडे को गंगा आरती होती है, तो इसके कारण काफ़ी भीड़ थी। कुछ लोग देख के आ रहे थे गंगा आरती और कुछ जा रहे थे। और ये घाट सजा हुआ था, ये जो एंट्री गेट है थोड़ा अच्छा सजा हुआ था, बहुत सारे लोग थे, सारे लोग इन्जॉय कर रहे थे, पूरा भक्तिमय वाला वातावरण था। और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करने की बात है कि अगर हम नदी की पूजा करते हैं तो ये हमारे संस्कारों में, ये हमारे परंपराओं में शामिल रही है कि नदी की पूजा करनी चाहिए, तो ऐसा हमें व्यवहार में भी लाना चाहिए। अगर हम एक ओर पूजा करते हैं दूसरी ओर उसी नदी में कूड़ा फेंकते हैं तो ये बिल्कुल हमारे व्यवहार, बिल्कुल हमारे विचारों से मेल नहीं खाता कि आप पूजा करो फिर उसी में गंदगी डालो। तो बेहतर है आप एक बार को पूजा ना करें वो चल सकता है, लेकिन अगर आप कूड़ा डाल रहे हैं तो ये आप बिल्कुल अपराध कर रहे हैं। तो हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए, जीवन पर्यंत ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए कि हम कभी भी नदी में कूड़ा नहीं फेंकें। और यहाँ पे कुछ लोग तैराकी भी कर रहे थे तो ये भी थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया। और बाकी वहाँ से निकलने लगी तो यहाँ दीवारों पर मुझे मधुबनी पेंटिंग दिखी, तो मुझे लगा कि इसे कैप्चर करना चाहिए। बहुत ही प्यारी पेंटिंग थी, इसे बनाने में कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत शिद्दत चाहिए इसे बनाने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल होती है इसमें। और यहाँ पे महिला पुलिस बल भी थी। और वापस आते वक्त मुझे ये NIT का सोन छात्रावास दिखा। जैसा कि JNU में आप लोग अगर गए होंगे या फिर मालूम होगा तो वहाँ के छात्रावास के नाम भी नदियों के नाम पर रखे हुए हैं, तो ये देख कर मुझे यहाँ अच्छा लगा कि यहाँ भी नदियों के नाम को प्रमोट किया जा रहा है, नदियों के बारे में एटलीस्ट अवेयरनेस भी फैल रही है, इन चीज़ों से लोगों तक अवेयरनेस जा रही है। और उसके बाद मैं वापस अपने रूम पे आ गई। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।